एक दिन पूनम नाम की एक अमीर औरत अपनी बेटी के साथ खरीदारी करके घर लौट रही थी। तभी उसकी बेटी को कचरे के ढेर के पास एक चमकदार पाउडर का डिब्बा दिखाई देता है। पूनम की बेटी दौड़कर उस पाउडर के डिब्बे को उठा लेती है। माँ, ये देखो, ये पाउडर का डिब्बा कितना सुंदर है, मैं इसे घर ले जाना चाहती हूँ। अपनी बेटी की ये बात सुनकर पूनम गुस्सा हो जाती है। अरे नालायक, अमीर होने के बाद भी तो सड़क पर पड़ा कचरा उठाती है, चल फेंक इस पाउडर के डिब्बे को। इतना कहकर पूनम अपनी बेटी के हाथ से पाउडर का डिब्बा छीनकर फेंक देती है। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, अगर दोबारा तूने इस तरह की हरकत की तो मैं तेरी खूब पिटाई करूंगी और तुझे 2 दिन खाना नहीं दूंगी, चल घर। उन दोनों के जाने के बाद कचरा चुनने वाली शांति नाम की एक औरत वहां आ जाती है। शांति की नज़र जैसे ही उस पाउडर के डिब्बे पर पड़ती है तो उसे देख वो खुश हो जाती है। अरे वाह, ये पाउडर का डिब्बा तो बहुत सुंदर है, मेरी बेटी के पास खेलने के लिए खिलौना नहीं है, ये पाउडर का डिब्बा उसे दे दूंगी। उसके बाद शांति उस पाउडर के डिब्बे को लेकर अपने घर चली जाती है। ये देख बेटी, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे वाह माँ, ये तो पाउडर का डिब्बा है, लाओ थोड़ा पाउडर अपने चेहरे पर लगाती हूँ। उसके बाद शांति की बेटी डिब्बे से पाउडर निकालकर अपने चेहरे पर लगाने लगती है। तभी अचानक उसके सिर पर एक चांदी का कटोरा प्रकट हो जाता है। ये देख दोनों माँ बेटी को बड़ा ताज्जुब होता है। अरे ये क्या, इस चांदी के कटोरे में तो ढेर सारे 2000 रुपए के नोट हैं। लगता है माँ ये पाउडर का डिब्बा जादुई है, चलो तुम भी इसे अपने चेहरे पर लगाओ। फिर शांति भी थोड़ा सा पाउडर अपने चेहरे पर लगा लेती है और अगले ही पल उसके सिर पर भी नोटों से भरा चांदी का कटोरा प्रकट हो जाता है। माँ, अब हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और हमें जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। हाँ बेटी, तूने बिल्कुल सही कहा, शायद भगवान ने हमारी गरीबी पर तरस खाकर हमें ये जादुई पाउडर का डिब्बा दिया है। फिर उस दिन से दोनों माँ बेटी जादुई पाउडर अपने चेहरे पर लगाकर रोज ढेर सारे पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। कुछ ही दिनों में उनके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। उनका आधा कमरा पैसों से भर जाता है। माँ, अब हमारे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो गए हैं, पास ही में एक बहुत सुंदर कॉलोनी बनी है, चलो वहाँ एक नया घर खरीद लेते हैं। फिर दोनों माँ बेटी कॉलोनी में घर देखने पहुँच जाती हैं। उन्हें घर पसंद आ जाता है। अगले दिन शांति घर की कीमत चुकाकर उसे अपने नाम करवा लेती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी बाजार से ढेर सारी चीजें लाकर अपने घर पर रख लेती हैं। बेटी, इस सुंदर घर के साथ साथ हमारे पास अब सुख सुविधा की सारी चीजें मौजूद हैं। मैं कल ही तेरा एडमिशन शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवा दूंगी, उसके बाद मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। फिर अगले दिन शांति अपनी बेटी का एडमिशन शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवा देती है। उसके बाद शांति की बेटी रोज स्कूल जाना शुरू कर देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन शांति अपनी बेटी के साथ बाजार में शॉपिंग कर रही थी, तभी पूनम की नज़र शांति पर पड़ती है। अरे ये तो कचरा चुनने वाली शांति है, अचानक इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो इस बड़े मॉल में खरीदारी कर रही है, अभी जाकर इससे सच्चाई का पता लगाती हूँ। उसके बाद पूनम शांति के पास जाकर उससे कहती है, अरे शांति, तूने और तेरी बेटी ने बहुत महंगे कपड़े पहन रखे हैं, तू तो सड़क के किनारे कचरा उठाती थी, अचानक तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए जो तुम दोनों इस तरह ठाट बाट की जिंदगी जी रही हो। दीदी, ये सब कमाल मेरे घर पर रखे जादुई पाउडर का है, उसी की शक्ति से मैं अमीर बनी हूँ। फिर शांति पूनम को अपने घर ले जाकर उसे जादुई पाउडर का डिब्बा दिखाने लगती है। ये देखो दीदी, इसी जादुई पाउडर के डिब्बे के कारण मैं इतनी दौलतमंद बनी हूँ। उस पाउडर के डिब्बे को देखते ही पूनम मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। अरे ये तो वही पाउडर का डिब्बा है
जो कुछ दिनों पहले मेरी बेटी को कचरे के ढेर के पास मिला था। उस दिन इसे फेंक कर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। एक काम करती हूँ, इस शांति को डरा धमका कर इससे डिब्बा छीन लेती हूँ। उसके बाद पूनम शांति को डांटना शुरू कर देती है। अरे नालायक, ये तो मेरा जादुई पाउडर का डिब्बा है। कुछ दिनों पहले मेरी बेटी ने गलती से इसे कचरे में फेंक दिया था। ला, मुझे मेरा पाउडर का डिब्बा वापस कर, वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। इतना कहकर पूनम शांति के हाथ से पाउडर का डिब्बा छीन लेती है। शांति और उसकी बेटी दोनों स्वभाव से सीधी सादी थी, इसलिए वो दोनों पूनम का विरोध नहीं कर पाती। लेकिन तभी अचानक उस पाउडर के डिब्बे के अंदर से एक बड़ा हाथ बाहर निकलकर पूनम के कान को मरोड़ने लगता है। क्यों रे लालची औरत, तू इन मासूमों को डरा धमकाकर इन्हें बेवकूफ बनाना चाहती है। अरे मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अरे कोई बचाओ मुझे। फिर पाउडर का डिब्बा पूनम को थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं और मार बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे छोड़ दो। उसके बाद पूनम गिरते पड़ते वहाँ से भाग निकलती है। उस दिन के बाद से वो दोबारा शांति को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और शांति अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। बहुत समय पहले किसी पहाड़ी पर बौनी परियों की एक बस्ती हुआ करती थी। वहाँ रहने वाली परियां बहुत अच्छी थी और कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती थी। एक दिन निशा परी पृथ्वी के जंगल से फल तोड़कर लौट रही थी, तभी उसकी नजर दो चुड़ैलों पर पड़ती है। दोनों पेड़ के ऊपर बैठकर बात कर रही थी। मुझे पता लगा है कि सामने वाली पहाड़ी पर ढेर सारी बौनी परियां रहती हैं। बौनी परियों का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हाँ, इस बारे में मैंने भी सुना है। मैं तो कहती हूँ हमें पहाड़ी पर जाकर उन सभी बौनी परियों को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाना चाहिए। उसके बाद हम दोनों रोज एक बौनी परी को मारकर खाया करेंगे। ठीक है, हम आज शाम ही पहाड़ी पर जाकर सभी परियों को पकड़ लेंगे। उसके बाद दोनों चुड़ैल वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ चुड़ैलों की बातें सुनकर निशा परी के होश उड़ जाते हैं। ओह नहीं, ये दोनों चुड़ैल बौनी परियों को मारकर खाना चाहती हैं। मुझे फौरन जाकर अपनी सहेलियों को ये बात बतानी होगी। उसके बाद निशा पहाड़ी पर जाकर वहाँ रहने वाली सभी परियों को इकट्ठा कर लेती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने दो चुड़ैलों की बातें सुनी है, वो दोनों शाम होते ही हम पर हमला करेंगी और हमें पकड़कर अपनी गुफा में ले जाएंगी। अरे ये तो बहुत ही डरावनी बात है, वो चुड़ैल तो बहुत ही विशाल और खतरनाक होती हैं। हम उनका सामना कैसे करेंगे? हमारी जादुई छड़ी तो सिर्फ धन दौलत और खाने पीने की चीजें प्रकट कर सकती है। हाँ ये बात तो तुमने सही कही, हम अपनी जादुई छड़ी से उन चुड़ैलों का सामना नहीं कर पाएंगे। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें फौरन इस पहाड़ी को छोड़कर जाना होगा, तभी हमारी जान बच पाएगी। तुम सही कहती हो, हमें फौरन अपनी उड़ने वाली जादुई कढ़ाई में सवार होकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसके बाद वह सभी परियां एक बड़ी सी जादुई कढ़ाई पर सवार हो जाती हैं। उस कढ़ाई के ऊपर दो बड़े पंख लगे हुए थे। देखते ही देखते वो जादुई कढ़ाई आसमान में उड़ने लगती है। चलो अच्छा हुआ वक्त रहते हम सब वहाँ से निकल गए, अब वो दोनों चुड़ैल हमें नहीं पकड़ पाएंगी। लेकिन तभी अचानक आसमान में वो दोनों चुड़ैल प्रकट हो जाती हैं। अच्छा तो तुम सब हमसे बचकर भाग रही थी, लेकिन हमसे बचकर भागना इतना आसान नहीं है। अरे ये क्या, ये दोनों चुड़ैलों ने तो हमें ढूंढ लिया, अब हम क्या करें? निशा परी फौरन अपने पर्स से लाल मिर्च निकालकर दोनों चुड़ैलों की आंखों में डाल देती है। अरे मेरी आंखें जल रही हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं परियों को नहीं छोड़ूंगी। चल इसे वक्त देने जलाकर मार देते हैं। उसके बाद दोनों चुड़ैल अपनी शक्ति से आग प्रकट करने लगती हैं। ये देख सभी परियां घबरा जाती हैं। चलो सब जल्दी से नीचे कूद जाओ, वरना हम सब जलकर राख हो जाएंगे।
उसके बाद सारी परियां कढ़ाई से नीचे कूदना शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ नीचे जमीन पर कुछ लड़कियां खेल रही थीं। परियों को आसमान से नीचे गिरते देख वो हैरान हो जाती हैं। अरे ये क्या, आसमान से ढेर सारी बौनी परियां नीचे गिर रही हैं। देखते ही देखते सारी परियां पेड़ के ऊपर आ गिरती हैं। चोट लगने की वजह से सभी परियां दर्द के मारे रोने लगती हैं। लेकिन तभी वहां उन परियों का पीछा करते हुए दोनों चुड़ैल पहुंच जाती हैं। तुम सब चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, हमसे नहीं बचने वाली। चलो इन सभी को पकड़कर अपनी गुफा में ले चलते हैं। अरे ये क्या, ये दोनों दुष्ट चुड़ैल इन बेचारी परियों को पकड़ना चाहती हैं। चलो परियों को बचाते हैं। उसके बाद वो सभी लड़कियां चुड़ैलों के सामने पहुंचकर उन्हें धमकी देने लगती हैं। अगर तुम दोनों अपनी भलाई चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम दोनों का अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम मामूली लड़कियां हमें धमकी दे रही हो, ठहर जाओ, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। देखो ये गांव तांत्रिकों का है, हम काला जादू करने में माहिर हैं। तुम दोनों चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना तुम दोनों को कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन चुड़ैलों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दोनों लड़कियों पर हमला कर देती हैं। लगता है इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद वो लड़कियां मंत्र पढ़कर दोनों चुड़ैलों को रस्सी से बांध देती हैं और डंडे से उन दोनों की पिटाई करने लगती हैं। हाय मर गई रे, मेरा सर फूट गया, अरे कोई बचाओ मुझे। इन दोनों की पिटाई करके बेकार में हम अपना समय बर्बाद कर रही हैं। चलो इन्हें जान से मार देते हैं। नहीं नहीं हमारी जान बख्श दो, हमसे भून हो गई, हम दोबारा किसी को परेशान नहीं करेंगे, मेहरबानी करके हमें जाने दो। हा, 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 हा। लेकिन वो लड़कियां चुड़ैलों की एक नहीं सुनती और मंत्र पढ़कर दोनों चुड़ैलों को जलाकर राख कर देती हैं। ये देख सभी बौनी परियां बहुत खुश होती हैं और उन लड़कियों का शुक्रिया अदा करने लगती हैं। उसके बाद निशा और उसकी सहेलियां अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से ढेर सारी दौलत प्रकट कर उन सभी लड़कियों को अमीर बना देती है। उसके बाद निशा अपनी सहेलियों के साथ वापस पहाड़ी में जाकर हंसी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले आसमान में बादलों की रानी रहा करती थी। वो अपने जादुई बादलों की शक्ति से किसी भी चीज को प्रकट कर सकती थी। बादलों की रानी बहुत दयालु थी। जब भी उसे धरती पर कोई मुसीबत में दिखाई देता तो वो फौरन उसकी मदद किया करती थी। इसी तरह एक दिन बादलों की रानी की नजर आनंदपुर नाम के गांव पर पड़ती है। उस गांव के लोग बहुत गरीब थे और बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता था। दूसरी तरफ गांव का लालची जमींदार गांव वालों पर बहुत अत्याचार करता था। अरे काम चोरों, जल्दी जल्दी काम करो, अगर शाम तक ये सारा काम खत्म नहीं हुआ तो मैं तुम सबकी खाल खिंचवा लूंगा। जमींदार साहब, मेरे पिता बहुत बूढ़े हैं, इनसे ज्यादा काम नहीं किया जाता, दया करके आप इन्हें घर जाने दीजिए। ये सब मुझसे कर्ज लेने से पहले सोचना चाहिए था। ए लड़की, मेरे अंदर दया भावना बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत ही जालिम हूँ, इसीलिए अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप काम कर। सच में तुम बहुत बुरे हो, देख लेना तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। लगता है तुम सबने आज पिटने का मन बना लिया है, ठहरो मैं अभी तुम सबकी इच्छा पूरी करता हूँ। उसके बाद जमींदार सभी लोगों की पिटाई करते हुए उन्हें अधमरा कर देता है। अगर आज के बाद तुम में से किसी ने भी जुबान चलाई तो मैं कैंची से उसकी जुबान काट लूंगा, चलो चुपचाप काम करो। उधर ये सारी घटना देख बादलों की रानी को बेचारे गांव वालों पर बहुत तरस आता है और वो उनकी मदद करने का फैसला करती है। फिर सारा काम खत्म होने के बाद जब गांव वाले अपने घर की ओर लौट रहे थे तब बादलों की रानी ढेर सारे बादल प्रकट कर देती है और देखते ही देखते वो सारे बादलों से सुनहरे लहंगों की बारिश होने लगती है। ये नजारा देख गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। थोड़ी सी देर में सारे लहंगे जमीन पर आ जाते हैं। अरे
ये तो सोने के लहंगे हैं। आखिर आसमान से इतने सारे लहंगे नीचे कैसे गिरे? सोने के लहंगे मिलने से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। चलो सब लहंगे उठाकर अपने घर ले चलते हैं। लेकिन तभी वहाँ जमींदार आ जाता है। अरे ठहरो, अगर तुम में से किसी ने भी लहंगों को हाथ लगाया तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। ये सारे लहंगे मेरे हैं। मैंने पार्सल मंगवाया था, लेकिन लगता है हवाई जहाज से सारे लहंगे जमीन पर गिर गए। अरे जमींदार साहब, लहंगों के लालच में आप इस तरह खुलेआम झूठ क्यों बोल रहे हो? आपकी बात पर भला कौन विश्वास करेगा? अच्छा ये बात है, ठहरो मैं अभी तुम सबको विश्वास दिलाता हूँ। उसके बाद जमींदार फोन करके अपने कुछ आदमियों को वहाँ बुला लेता है। चलो इन सब गांव वालों की हड्डी पसली तोड़ दो और ये सारे सोने के लहंगे उठाकर मेरी हवेली पर ले चलो। अरे ठहर जा लालची जमींदार, अगर तेरे लोगों ने हमें हाथ भी लगाया तो हम सब तुम्हारा बुरा हाल करेंगे। लहंगे को बात करते देख वहाँ मौजूद सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। देख जमींदार, हम तुझे बचने का आखिरी मौका देते हैं। अपने आदमियों के साथ चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना तुम सबकी खैर नहीं। लेकिन लालची जमींदार पर इस बात का कोई असर नहीं होता। अरे वाह, ये सोने के लहंगे बात भी करते हैं। अब तो मैं इन्हें बहुत ही महंगी कीमत में बेचूंगा। अरे नालायको, तुम सब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो जल्दी से सारे लहंगे उठाओ। लेकिन अगले ही पल सारे लहंगे हवा में उड़ने लगते हैं और उनके अंदर से ढेर सारे पिंजरे बाहर निकलकर जमींदार और उसके आदमियों को कैद कर देते हैं। चलो अब हम इन्हें सबक सिखाते हैं ताकि जिंदगी में दोबारा ये किसी पर अत्याचार न कर सके। उसके बाद उन सभी लहंगों के अंदर से लोहे की छड़ी बाहर निकलकर पिंजरे के अंदर कैद जमींदार और उसके लोगों को बिजली के झटके देने लगती है। हाय मर गया रे, कोई बचाओ मुझे, मैं ये बिजली के झटके बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। देखते ही देखते जमींदार और उसके आदमियों की हालत खराब हो जाती है और वो सभी घुटनों पर आकर जादुई लहंगों से माफी मांगने लगते हैं। लेकिन उन्हें माफी नहीं मिलती और जादुई लहंगे उन सारे पिंजरों को हवा में उड़ाते हुए दूर जंगल में ले जाकर पटक देते हैं। फिर वापस गांव आकर जादुई लहंगे गांव वालों के लिए ढेर सारा अनाज और एक बड़ी सी अलमारी प्रकट कर देते हैं। इस अलमारी के अंदर मौजूद पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। तुम लोग जब चाहे तब अलमारी खोलकर अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे निकाल सकते हो। हम गरीबों की मदद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अभी तो हमारा एक जादू बाकी है, तुम सब लड़कियां हमें पहन लो, हम तुम्हें परियों की तरह खूबसूरत बना देंगे। उसके बाद सभी लड़कियां उन जादुई लहंगों को पहन लेती हैं और अगले ही पल वो सभी बहुत ज्यादा खूबसूरत बन जाती हैं। अपने आप को खूबसूरत देख सभी लड़कियां खुशी से नाचने लगती हैं। इस तरह बादलों की रानी गांव वालों की सारी परेशानी दूर कर देती है और सभी गांव वाले बिना किसी तकलीफ के हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। एक दिन राधिका खेत में काम कर रही थी कि तभी अचानक वहां उसकी मालकिन आ जाती है। सुन राधिका, खेत में मजदूरी के साथ साथ तू रात में फसलों की रखवाली भी करेगी। मालकिन ये कैसी बातें कर रही हो? सारा दिन काम करने के बाद मैं पूरी तरह थक जाती हूँ, फिर मैं रात को जाकर फसलों की रखवाली कैसे करूँगी? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तुझे रात में जाकर खेतों की रखवाली करनी ही होगी, वरना मैं तुझे काम से निकाल दूंगी। इतना कहकर मालकिन वहाँ से चली जाती है। फिर सारा दिन कड़ी मेहनत करने के बाद राधिका बुरी तरह से थक जाती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह जाग कर फसलों की रखवाली करने लगती है। लेकिन थकावट की वजह से राधिका को नींद आ जाती है और पास के जंगल के कुछ जानवर खेत में आकर फसलों को खा जाते हैं। फिर अगले दिन इस बात से मालकिन गुस्से से आग बबूला हो जाती है और राधिका की खूब पिटाई करती है। काम चोर कहीं की, तू मजे से खर्राटे लेकर सो रही थी और जानवर मेरी सारी फसल खा गए, आज मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। उसके बाद मालकिन डंडे से राधिका की पिटाई करके उसे वहाँ से भगा देती है। बेचारी राधिका रोते हुए अपने घर की ओर जाने लगती है कि तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटी, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मैंने सब देखा है,
तुम्हारी मालकिन बहुत ही जालिम है। आज से तुम्हें किसी के खेतों में काम करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद वो बूढ़ी औरत राधिका को पहाड़ के ऊपर ले जाती है। वहाँ पर उस बुढ़िया की एक झोपड़ी थी। बुढ़िया राधिका को एक सोने की मुर्गी देते हुए कहती है, बेटी ये सोने की मुर्गी रोज एक चांदी का अंडा देती है, चांदी के अंडे को बेचकर तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन बेटा कभी लालच में आकर कोई बुरा काम मत करना, और हाँ जितना बन पड़े हमेशा गरीबों की भी सहायता करना। उसके बाद राधिका खुशी खुशी उस सोने की मुर्गी को अपने घर ले जाती है। फिर अगले दिन से वो मुर्गी रोज राधिका को एक चांदी का अंडा देना शुरू कर देती है। उसके बाद राधिका रोज बाजार जाकर चांदी का अंडा बेचने लगती है, जिससे कुछ ही दिनों में उसके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं। दूसरी तरफ राधिका को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसलिए वो एक अच्छे से स्कूल में अपना एडमिशन करा के अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। धीरे धीरे राधिका की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और वो अपने घर पर सुख सुविधा की सारी चीज खरीद कर ले आती है। लेकिन दौलत आते ही राधिका के अंदर घमंड भी आ जाता है। जब भी कोई गरीब उसके पास मदद मांगने के लिए आता तो राधिका उसे डांट के भगा देती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन राधिका के पास एक जादूगरनी आती है। राधिका बेटी, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास एक सोने की मुर्गी है जो रोज चांदी का अंडा देती है। अगर तुम चाहो तो मैं अपने जादू से तुम्हारी मुर्गी को सोने की अंडा देने वाली मुर्गी बना सकती हूँ। फिर तुम्हें चांदी की बजाय रोज एक सोने का अंडा मिलेगा। ये सुनकर राधिका खुशी से उछल पड़ती है। अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा, मैं कुछ दिनों में इस इलाके में सबसे अमीर बन जाऊंगी। मेरे घर पर जादुई पानी का एक कुआं है, मैं तुम्हारी मुर्गी को एक हफ्ते के लिए उस पानी में डाल दूंगी। फिर एक हफ्ते बाद तुम्हारी मुर्गी रोज सोने का अंडा देना शुरू कर देगी। उसके बाद जादूगरनी राधिका को अपने घर ले जाती है। जादूगरनी के घर के बगल में एक बड़ा सा कुआं था। जादूगरनी मुर्गी को कुएं के पानी में डाल देती है। उसके बाद जादूगरनी कुएं के ऊपर एक बड़ा सा ढक्कन लगाकर उसे पूरी तरह से बंद कर देती है। जाओ बेटी, अब तुम एक हफ्ते बाद आना। राधिका वहाँ से चली जाती है और एक हफ्ता पूरा होने का इंतजार करने लगती है। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत जाता है और राधिका जादूगरनी के घर अपनी मुर्गी लेने पहुँच जाती है। राधिका जैसे ही दरवाजा खटखटाती है कि तभी एक लड़की दरवाजा खोलती है। हाँ, कहो क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ जादूगरनी आंटी रहती थी, मैं उन्हीं से मिलने आई हूँ। वो तो मेरे घर में किराए में रहती थी, एक हफ्ते पहले ही घर खाली करके चली गई। ये सुनते ही राधिका के होश उड़ जाते हैं और वो भागकर कुएं के पास जाती है। लेकिन कुएं के अंदर अपनी मुर्गी ना पाकर राधिका दुखी होकर रोने लगती है। लालच में पड़कर ये मैंने क्या कर दिया, उस धोखेबाज जादूगरनी ने मुझे बेवकूफ बनाकर मेरे सोने की मुर्गी हड़प ली, अब मैं क्या करूं? इस तरह लालच में आकर राधिका सोने की मुर्गी गवा बैठती है। उसके बाद कुछ दिनों में राधिका के पास मौजूद सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं और वो फिर से मजबूर होकर दोबारा लोगों के खेतों में मजदूरी का काम शुरू कर देती है। आनंदपुर नाम के गांव में सरिता और सुनीता नाम की दो बहनें रहती थीं। सालों पहले उनके माता पिता का देहांत हो गया था। दोनों बहनें अपने गुजारे के लिए कामिनी नाम की एक औरत के ब्यूटी पार्लर में काम करती थीं। कामिनी बहुत ही लालची थी। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो हमेशा खराब क्वालिटी के मेकअप खरीद लाती थी। फिर एक दिन, मालकिन आपका लाया हुआ मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं है, अगर आप इसे लड़कियों के चेहरे पर लगाओगे तो हो सकता है उनका चेहरा खराब हो जाए। मैं इतने सालों से खराब मेकअप इस्तेमाल कर रही हूँ लेकिन आज तक किसी लड़की ने कोई शिकायत नहीं की, तो फिर बेकार में मैं महंगा मेकअप क्यों खरीद कर लाऊं? लेकिन मालकिन, हम तो आपके भले की बात कर रही हैं। मेरा भला बुरा मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे तुम दोनों की सलाह की जरूरत नहीं है, चुपचाप जाकर अपना काम करो। इस तरह कामिनी दोनों बहनों को डांट कर चुप करा देती है। फिर एक दिन एक लड़की कामिनी के पार्लर में मेकअप करवाने आती है। कामिनी उस लड़की का मेकअप करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी अचानक, अरे मेरे चेहरे में बहुत जलन हो रही है, ये तुमने मेरे चेहरे पर क्या लगा दिया? कामिनी सारा इल्जाम दोनों बहनों के ऊपर डालते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा था बाजार से अच्छी क्रीम खरीद कर लाना, तुम दोनों पैसे हड़पने के लिए जानबूझकर कोई मिलावटी क्रीम खरीद कर लाई हो।
कामिनी की बातें सुनकर दोनों बहनों के होश उड़ जाते हैं। मालकिन, मेकअप का सारा सामान तो आप खरीद कर लाती हो, तो फिर हम पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? हे भगवान, ये दोनों धोखेबाज सरासर झूठ बोल रही हैं। इन्हें काम पर रखकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। तभी वो लड़की कामिनी की तरफदारी करते हुए कहती है, कामिनी दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। ये दोनों तो शक्ल से ही बेईमान दिखती हैं। इन्हें इसी वक्त काम से निकाल दीजिए। हाँ हाँ, इन दोनों धोखेबाजों को मैं अपने काम में नहीं रख सकती। चलो तुम दोनों निकलो यहाँ से। सच में तुम बहुत ही झूठी औरत हो। हम दोनों भी तुम्हारे यहाँ काम नहीं करना चाहती। चलो हमारी तनख्वाह दे दो, उसके बाद हम दोनों यहाँ से चली जाएंगी। तुम दोनों की वजह से इस बेचारी लड़की का चेहरा खराब हो गया। ऊपर से तुम दोनों मुझसे पैसे मांग रही हो। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। चलो निकलो यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल की हवा खिला दूंगी। दीदी चल यहाँ से, इस औरत से बहस करने का कोई फायदा नहीं। उसके बाद दोनों बहनें दुखी होकर वहाँ से चली जाती हैं। काम छूट जाने की वजह से कुछ ही समय में दोनों बहनों के पास मौजूद सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। पैसे न होने की वजह से दोनों बहनें खाना नहीं खरीद पाती और उन्हें भूखा रहना पड़ता है। दूसरी तरफ दोनों जगह जगह काम ढूंढने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन उन दोनों को कहीं काम नहीं मिलता। फिर एक दिन वो दोनों दुखी होकर अपने घर की ओर लौट रही थी, तभी रास्ते में उन्हें एक जादूगरनी मिलती है। तुम दोनों अंजलि की बेटी हो ना? मैंने कई सालों पहले तुम दोनों को देखा था। तुम्हारी माँ और मेरी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन ये क्या, तुम दोनों की इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? ये सुन दोनों बहनें जादूगरनी को अपने जीवन के दुखों के बारे में सब बता देती हैं। उन दोनों की कहानी सुनकर जादूगरनी को बहुत दुख होता है। फिर जादूगरनी अपने थैले से एक जादुई फेस क्रीम निकालकर सरिता के हाथ में रख देती है। ये मेरी जादुई फेस क्रीम है, चलो तुम दोनों इसे अपने चेहरे पर लगाओ। दोनों बहनें फेस क्रीम अपने चेहरे पर लगाने लगती हैं, लेकिन अगले ही पल उन दोनों के चेहरे में तेज जलन शुरू हो जाती है। मेरे चेहरे में जलन हो रही है, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, आखिर ये कैसी फेस क्रीम है? इस तरह दोनों बहनें दर्द से रोने लगती हैं। चिंता मत करो, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। फिर अगले ही पल उन दोनों बहनों के आंखों से निकलने वाले आंसू सोने के आंसू में बदल जाते हैं, और थोड़ी ही देर में उन दोनों के चेहरे का दर्द पूरी तरह गायब हो जाता है। सोने के आंसू देख दोनों बहनों को बड़ा आश्चर्य होता है। मेरी ये जादुई फेस क्रीम इसी तरह काम करती है। अब तुम दोनों अपने सोने के आंसुओं को बाजार में बेच दो। इस तरह मेरी जादुई फेस क्रीम को लगाकर तुम दोनों रोज ढेर सारा सोना हासिल कर सकती हो। उस जादुई फेस क्रीम को पाकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। उसके बाद दोनों जादूगरनी का शुक्रिया अदा कर अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन से वो दोनों रोज फेस क्रीम को लगाकर ढेर सारा सोना इकट्ठा करने लगती हैं। कुछ दिनों में दोनों बहनें बहुत अमीर बन जाती हैं और एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर खोल लेती हैं। कामिनी को जब इस बारे में पता चलता है तो वो जलकर राख हो जाती है। अरे ये क्या, कल तक तो इन दोनों बहनों के खाने का ठिकाना नहीं था, अचानक ये दोनों इतनी अमीर कैसे बन गई? लोगों का कहना है कि इनके पास एक जादुई फेस क्रीम है, उसे चेहरे पर लगाने से तेज जलन होती है और आंखों से निकलने वाले आंसू सोने में बदल जाते हैं। दोनों बहनें जादुई फेस क्रीम का इस्तेमाल करके रोज ढेर सारा सोना हासिल करती हैं। जादुई फेस क्रीम की बात सुनते ही कामिनी के मन में लालच आ जाता है। फिर उसी रात वो उन दोनों बहनों के घर से जादुई फेस क्रीम चुरा कर ले जाती है। उसके बाद कामिनी ढेर सारी फेस क्रीम अपने चेहरे पर लगा लेती है, लेकिन अगले ही पल कामिनी के चेहरे में आग लग जाती है। हाय, मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अरे कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते कामिनी के चेहरे के साथ साथ उसके सिर के सारे बाल भी जल जाते हैं। मैं सिर्फ अच्छे लोगों की मदद करती हूँ, तेरे जैसे धोखेबाजों की नहीं। तुझे सजा देकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।
उसके बाद जादुई फेस क्रीम हवा में उड़ते हुए सुनीता और सरिता के घर पहुंच जाती है। उस दिन की घटना के बाद से कामिनी की अकल ठिकाने आ जाती है और वो पूरी तरह सुधर जाती है।